Assalamualaikum, Tips Tuesday की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मेरा नाम सुरखेल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। हम लोग हर ट्यूसडे को गाड़ी के मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कि गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करनी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं रखना। दिस इज़ अ न्यू सेगमेंट गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के अलावा। हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों के लिए जिन्होंने गाड़ी मॉडिफाई नहीं करनी बट सिर्फ अपनी गाड़ी का ध्यान रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी कॉन्टेंट होना चाहिए। तो ये हर ट्यूसडे को ये वाली एक सीरीज़ आती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। अब मैं गाड़ी में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जिस गाड़ी में मैं हूँ उसकी गाड़ी के मालिक की कंप्लेंट ये थी कि गाड़ी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके हीट होती है, लाहौर में हीट नहीं होती। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं खुंजराब पास ले गया था इसको, अभी वापस आ रहा हूँ, हीट की लाइट नहीं आई। तो मेरा मानना ये है कि ड्राइविंग स्टाइल उनका ठीक नहीं है। जाके मैं उनसे ये कहूँगा कि भैया अपना ड्राइविंग स्टाइल जो है ज़रा बेहतर करें, आप गाड़ी में मसला नहीं है, आप में है। तो खैर आवाज़ करते हैं। आपने डिसाइड किया कि आप लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है। डिस्क्लेमर, मरी नॉर्दर्न एरिया नहीं है, ठीक है। तो मरी जो है वो खैर, बट नॉर्थ में जाना है आपने। नॉर्थ से मुराद है कि आपने एनीवेयर आफ्टर नारान जाना है, आपने सवात जाना है, आपने आपने खुंदराब पास जाना है, आपने गिलगित जाना है, उंजा जाना है, नलतर जाना है। तो आपकी गाड़ी की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, मतलब कि आपने अपने शहर से निकलने से पहले आपने क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहला काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम, अगर आपकी गाड़ी का रेडिएटर में पानी कम होता है, आपने नहीं जाना, आपने गाड़ी को नहीं लेके जाना नॉर्थ, वहीं पे गाड़ी की चाबी रखो और सो जाओ। जब तक आपकी गाड़ी का रेडिएटर में पानी कम होना ख़त्म नहीं होता, आपने लाहौर से, आपने कराची से, आपने अपने शहर से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका सड़क पे रेडिएटर में पानी ख़त्म हो गया, इंजन जाने वाला है, आपकी ट्रांसमिशन भी जा सकती है अगर ऑटोमेटिक गाड़ी और कूल हो रही है रेडिएटर से, आपकी खज्जल खुआरी ज़्यादा होने वाली है, छुट्टी का ये जो आप इंजॉय करने वाले थे ये ज़रारत का मुकाम बन जाएगा, और फिर गाड़ी को सिर्फ अपने शहर तक ले जाने के लिए आपका 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा होगा रिकवरी के ऊपर। अगर आपकी गाड़ी के रेडिएटर में पानी कम होता है तो आपने नहीं लेके जानी गाड़ी। यहाँ तक बात समझ आ गई, अब चलते हैं आगे। गाड़ी आपकी ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो, कभी रेडिएटर में पानी कम नहीं हुआ। सो जब आपने निकलना है, आप प्लान जब कर रहे हो, लेट्स से कि आप सैटरडे को निकलने का प्लान कर रहे हो, कोशिश करो कि मंडे को गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाओ और उससे कहो कि यार मेरा रेडिएटर फ्लश कर दो, रेडिएटर सफाई कर दो। अब हम ये काम 5 दिन पहले क्यों करवा रहे हैं, ताकि जब रेडिएटर खोलने के बाद आपका रेडिएटर फ्लश हो जाए और जब आप रेडिएटर दोबारा फिट कर लो, आपके पास 5 दिन होंगे ये चेक करने के लिए कि यार जब दोबारा फिटमेंट हुई रेडिएटर की, कहीं उसके बाद तो कोई लीकेज नहीं आ गई गाड़ी के अंदर। सो नंबर वन, अपने रेडिएटर की सर्विस करवा लो अगर आपने पिछले 1 साल के दौरानिए में नहीं करवाई तो। अगर 1 साल के दौरानिए में आपने रेडिएटर की सर्विस करवाई और आप पूरे इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर ये स्टेप लेने की आपको जरूरत नहीं है, गिवन कि आपके रेडिएटर में पानी कम ना होता हो। नंबर वन, आपने अपने रेडिएटर की सर्विस करा ली, चेक। नंबर टू, आपके इंजन की ट्यूनिंग के अंदर आपकी थ्रॉटल बॉडी आ सकती है, आपके प्लग्स आ सकते हैं, आपके टापर कवर की लीकेज आ सकती है, आपकी रॉकेट्स की क्लियरेंस आ सकती है, वाल्व्स की। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, सो लेट्स से कि आपने जहाँ भी जाना है, आपने सफ़र करना है जिसमें आपका 100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होना है या 150 लीटर फ्यूल आपका इस्तेमाल होना है, हर एक किलोमीटर पर लीटर अगर आपकी एवरेज बढ़ जाती है तो वो 100-150 लीटर ऑफ फ्यूल का मतलब है 150 एक्स्ट्रा किलोमीटर्स। तो अगर आपकी गाड़ी की माइलेज आपको ऑप्टिमल नहीं लग रही तो बेहतर है कि कुछ थोड़े से पैसे खर्च के उसकी ट्यूनिंग करवा लो। अगर आपको 1 किलोमीटर पर लीटर भी एवरेज ज़्यादा मिल जाती है तो इस लॉन्ग रूट के अंदर आपके अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे फ्यूल के ऊपर। नंबर तीन, अगर कहीं से आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो रहा है या कम हो रहा है, अगर तो कम हो रहा है और धुआं मारने की वजह से कम हो रहा है, चाबी रख दो भाई, नहीं जा रहे आप इस गाड़ी को लेकर, कहीं भी खज्जल खुआर हो सकते हो, बुरे वक्त का पता नहीं होता। के जी आप सब पे मन ला रहा है, सिर्फ मेरे अकेले पे नहीं है। तो अगर गाड़ी का इंजन धुआं मार रहा है और गाड़ी ऑयल कम कर रही है, मत लेकर जाओ।
अगर गाड़ी का इंजन ऑयल कम इसलिए हो रहा है कि कहीं पे लीकेज है, तो वो लीकेज लाजमी फिक्स करवा लो। क्यों? क्योंकि जब आप लॉन्ग पे जा रहे होते हो और आप लगातार 100, 120, 130 पे जा रहे होते हो, आपके इंजन को ओवरवर्क करना पड़ रहा होता है। शहर के अंदर तो वो ये बर्दाश्त कर लेता है कि आपका ऑयल थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा लीक हो रहा है। लॉन्ग पे वो ये बात बर्दाश्त नहीं करने वाला और आपके इंजन में कोई बड़ा मसला आ सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आपके इंजन ऑयल की लीकेज कहीं पे है, उसे फिक्स करवा लो, और फिक्स करवाने के बाद एक दो दिन गाड़ी अपने शहर में चलाकर देख लो कि वो ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो यू आर गुड टू गो, चेक। अगली चीज, आपके इलेक्ट्रिकल्स, आपकी लाइट्स, जिसमें हेडलाइट्स आ जाती हैं, फॉग लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट्स, ये सब चेक करवाओ। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में सड़क बहुत अच्छी हमेशा आपको नहीं मिलने वाली, और हमेशा आपको सड़क पे लाइट्स नहीं मिलने वाली। सो मेक श्योर कि आपकी ब्रेक की लाइट्स काम करती हैं, ताकि आपके पीछे जो आ रहा है उसको ये बात पता चल जाए कि आप ब्रेकिंग कर रहे हो, खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट से बच सकोगे आप। आपकी हेडलाइट्स काम कर रही हैं, ताकि आपको आपके सामने क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर कई सड़कें ऐसी हैं जो KKH है, या इवन नारांग की सड़क के शार्प टर्न आते हैं। अगर आपकी लाइट्स प्रॉपर नहीं, आपको नज़र नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है, और आप खुदा ना खास्ता किसी नुकसान में, किसी एक्सीडेंट में जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी हेडलाइट्स प्रॉपर वर्किंग के अंदर हैं। अगर वो डिम है तो अपने बल्ब चेंज करवाओ, अगर उन पर स्क्रैचेस हैं तो उनको बफ करवा लो। वट एवर यू वॉन्ट टू करो, आपकी लाइट्स एम्पल होनी चाहिए हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको रात को सफ़र करना पड़ सकता है। अव्वल तो कोशिश करो कि आपको रात को सफ़र ना करना पड़े, बट अगर आपको ये चांस भी है कि आप कहीं पे फंस सकते हो और आपको रात को सफ़र करना पड़ सकता है, मेक श्योर कि आपकी लाइट्स सब चालू हों, A1 हो, बेहतरीन कंडीशन में हो, कोई मसला ना हो उसके अंदर। इलेक्ट्रिकल्स के अंदर ही अगली चीज़ आपकी आ जाती है, आपके क्लस्टर, आपका आपकी लाइट्स काम करनी चाहिए अंदर की क्लस्टर की, जिसमें हीट की लाइट आ रही है, जिसमें आपकी ऑयल की लाइट आ रही है, आपके RPM, आपका स्पीडोमीटर, हर चीज़, ये इलेक्ट्रिकल्स के अंदर ये सब चीज़ें काम करनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग ड्राइव अगर आपकी कोई गाड़ी में मसला आता है, चेक इंजन की लाइट आपकी चालू होनी चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है तो आप इससे पहले कि वो मसला बढ़ जाए आप गाड़ी साइड पर रोक सको, आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके अपना मसला टाइमली हल करवा लो, बजाय से कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ही इंजन जवाब दे जाए, ख़राब हो जाए और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैंने क्या करना है। सो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल्स चेक। अगली चीज़ जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपकी ब्रेक्स, आपकी ब्रेक्स A1 कंडीशन में होनी चाहिए। मेरा ख्याल है अगर रेडिएटर के बाद अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वो ब्रेक्स हैं आपकी, बिकॉज आपकी गाड़ी स्लो चल रही हो, आपका इंजन प्रिस्टीन कंडीशन में ना हो, माइलेज कम दे रहा हो, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आपकी ब्रेक्स ठीक नहीं है तो आप किसी बड़े नुकसान में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में आप चढ़ाइयाँ भी चढ़ रहे हो और उतराइयाँ भी उतर रहे हो, उतराई के ऊपर खुदा ना खास्ता अगर आपकी ब्रेक फेल हो जाती है, आपका स्टेयरिंग भी सही काम नहीं करेगा, आपके टायर्स लॉक हो सकते हैं, आपकी गाड़ी स्ट्रेट किसी खाई में जा सकती है। ये मैंने इस ट्रिप के ऊपर अपने सामने 2 दफ़ा देखा, गाड़ी खाइयों में गिरी, लोगों की ब्रेक्स ख़राब हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं और फिर गाड़ी खाई में जाती है और खुदा ना खास्ता जानी नुकसान हो सकता है। ये मैंने इस ट्रिप के अंदर 2 दफ़ा देख चुका हूँ मैं ये वाला काम। सो मेक श्योर कि आपकी ब्रेक्स बेहतरीन कंडीशन में है। अगर पिछले 3, 4, 5 महीने में आपने अपनी ब्रेक्स की सर्विस नहीं करवाई, करवा लो। अगर पैड चेंज नहीं करवाए, करवा लो। अगर आपके तवे जो हैं, जो ब्रेक रोटर्स हैं, उनकी थिकनेस कम हो चुकी हुई है, इस्तेमाल हो के या टूल लग के, बेहतर है कि उन्हें चेंज कर दो। ब्रेक्स गाड़ी की A1 कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते ब्रेक्स चेक करवाने में, किसी भी करीबी वर्कशॉप पर जाके चेक करवा लो कि मेरी ब्रेक्स ठीक हैं या नहीं है। अगर आपका मकैनिक आपको ये कहता है कि भैया चेंज करवा लो, दूसरा सवाल मत पूछो, चेंज करवा लो। अगर उनकी थिकनेस जो आपके पैड्स हैं 50% या उससे कम है तो बेहतर है कि चेंज करवा लो, बुरे वक्त का पता नहीं। अगली चीज़, आपकी गाड़ी के टायर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप जिस जगह पर जाने वाले हो वहाँ पर अब आपने मोटरवेज भी ट्रैवल करोगे 120 cc स्पीड पर, अगर आपके खुदा ना खासा टायर्स के अंदर जो है वो हवा स्टेबल नहीं रह रही, आप खड़े हो सकते हो, अगर हवा लीक हो रही है, खुदा ना खासा वो पंक्चर है, आप खड़े हो सकते हो, आपको बार बार टायर चेंज करने पड़ सकते हैं। खुदा ना खासा अगर आपके टायर्स पुराने हो चुके हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा कट्स आ चुके हुए हैं या उनमें क्रैक्स आ चुके हुए हैं, तो वो बर्स्ट हो सकते हैं, और खुदा ना खास्ता आप 120-130 की स्पीड पर अगर खुदा ना खासा टायर बर्स्ट होता है आपका, तो बहुत बुरे एक्सीडेंट में आप जा सकते हो और आपका जानी नुकसान हो सकता है। मैंने ये देखा है अपने सामने होता है, वो गाड़ी के टायर फटते हुए
बहुत स्पीड में गाड़ी होती और वो टायर बर्स्ट हुआ था और गाड़ी टॉपल कर गई, तो खुदा ना खास्ता ये मसला हो सकता है। इसीलिए मेक श्योर कि आपके टायर्स अगर आपने अपने पिछले 5 सालों में चेंज नहीं करवाए तो वो करवा लो। कारिस्तानिया के ऊपर हम लोगों ने पूरी की पूरी सीरीज़ रखी हुई है टायर्स के ऊपर, तो मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, जाकर वो वीडियो देख लो कि टायर्स चेक कैसे करने हैं आपने और अच्छे टायर्स की निशानी क्या होती है। तो टायर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, चेक। तो यार ये थे कुछ चेक्स कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी को नॉर्दर्न एरियाज़ में लेके जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है अपनी गाड़ी को वहाँ पर लेके जाने से पहले। और अगर इनमें से कोई चीज़ ऐसी है कि जो मैं मिस आउट कर गया हूँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप नॉर्थ में जा रहे हो तो ड्यूरिंग योर ट्रैवल्स आपने की चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों से गुरेज करना है और क्या तदाबीर आपने इख्तियार करनी है कि आपका जो ट्रिप है वो सक्सेसफुल हो सके। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, जो कोशिश करूँगा मैं कि कल या परसों ही डाल दूँ। तो अब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर और हाफिज़। हमारा कॉन्टेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।